वेब समाचार आपके लिए लेकर आया है काम की खबरें। सात निश्चय की जानकारी लेंगे पार्षद। मुख्यमंत्री की सात निश्चय योजना, खासकर आर्थिक हल युवाओं का बल कार्यक्रम की जानकारी पटना नगर निगम के पार्षदों को भी दी जाएगी। इसके लिए मंगलवार को पटना नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्ड पार्षदों के लिए कार्यक्रम रखा गया है। जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र में इसका आयोजन किया जाएगा। सोमवार को बख्तियारपुर, पंडारक, बाढ़, धनरुआ तथा मसौढ़ी के जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य तथा मुखियों को इसकी जानकारी दी गई। सुविधा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। विशाखापत्तनम और सुबेदारगंज के बीच सुविधा स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई है। ट्रेन नंबर 82851 82852 सुविधा स्पेशल को 26 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच चलाया जाएगा। विशाखापत्तनम से हर मंगलवार को और वापसी में सुबेदारगंज से प्रत्येक गुरुवार को ट्रेन चलेगी। ट्रेन गया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते चलेगी। ट्रेन में एसी 2 का 1, एसी 3 के 3 शयनयान श्रेणी के साथ साधारण श्रेणी के 3 कोच लगाए गए हैं। अब आरएस कॉलेज में लॉ परीक्षा। मुजफ्फरपुर के बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी ने लॉ परीक्षा का सेंटर बदल दिया है। अब यह परीक्षा रमेश्वर सिंह कॉलेज में होगी। परीक्षा से 2 दिन पहले विश्वविद्यालय ने सेंटर में बदलाव किया है। कुलपति के आदेश पर परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार ने नए परीक्षा केंद्र की चिट्ठी जारी कर दी है। रमेश्वर सिंह कॉलेज में नया परीक्षा केंद्र बनाया गया है। 20 नवंबर से प्री लॉ 1, 2, 3, 4 और 5 की परीक्षा होगी। LLB 1, 2 और 3 की परीक्षा होने वाली है। छात्र संघ चुनाव जनवरी के अंत तक। बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव जनवरी के अंत तक हो सकता है। विश्वविद्यालय की ओर से इसकी जानकारी राजभवन को दे दी गई है। चुनाव की अधिसूचना यूनिवर्सिटी की ओर से अगले सप्ताह तक जारी होने की संभावना है। राजभवन की गाइडलाइन के अनुसार इस बार छात्र संघ चुनाव होना है। DSW डॉक्टर अभय कुमार सिंह ने सोमवार को कहा कि चुनाव के लिए राजभवन को पत्र भेजा गया है। कोर्सवर्क का इंटरव्यू 25 को। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जंतु विज्ञान में PhD 2019 पास छात्रों के कोर्स वर्क के लिए चयन के लिए इंटरव्यू विभाग में 25 नवंबर को 11:30 बजे से होगा। विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर BS झा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इंटरव्यू के लिए छात्रों को सभी कागजात के साथ 10:30 बजे विभाग में उपस्थित होना होगा। PG भूगोल की आंतरिक परीक्षा 5 से। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के भूगोल विभाग के पहले सेमेस्टर 2019-21 तथा तीसरे सेमेस्टर 2018-20 की आंतरिक परीक्षा विभाग में 5 से 11 दिसंबर तक क्रमशः 11:00 बजे और 12:30 बजे से होगी। यह जानकारी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जयनारायण मिश्र ने दी है। इस मौके पर सभी विद्यार्थी समय पर उपस्थित हों। एडमिट कार्ड में त्रुटि का होगा सुधार। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा के PG फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के त्रुटिपूर्ण एडमिट कार्ड का सुधार किया जाएगा। छात्रों को संबंधित कॉलेज और विभाग से आवेदन स्वीकृत कराकर परीक्षा विभाग में जमा करना होगा।